नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़। हरी नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महात्मा गांधी शहीद जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर शहीद प्राइवेट अस्पताल में इलाज की मुहिम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निगरानी में इलाज जारी है। जिला अस्पताल में नोडल अधिकारी आयुष्मान डॉक्टर प्रशांत अस्थाना आईओ कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के द्वारा मरीजों के साथ इलाज के दृष्टिगत जांच जारी है, जिसमें किरण देवी उम्र 36 वर्ष निवासी महेदिया बुजुर्ग उसका बाजार के हाथ का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें इम्प्लांट डालकर हड्डी को फिक्स किया गया। धर्मेंद्र उमर 28 वर्ष निवासी तेजगढ़ वासी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर लक्ष्मी सिंह द्वारा मरीजों से मिलकर उनके इलाज संबंधित जानकारी ली गई। यो TMS पोर्टल पर क्लेम निस्तारण हेतु जानकारी आरोग्य मित्र अनुप पांडे से साझा किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 3,570 आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा चुका। आगे जारी डॉक्टर अस्थाना ने बताया कि देश के सभी चिन्हित अस्पतालों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा ने कहा, अब तक फ्रैक्चर हर्निया पित्त की पथरी के इलाज किए गए हैं जो आयुष्मान के तहत लाभार्थी हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। ऑपरेशन हुआ है और आप आयुष्मान का कार्ड था। किस योजना के अंतर्गत आपका ऑपरेशन हुआ है? ये सर हर्निया का हुआ है आयुष्मान कार्ड से। तो आपका कोई पैसा भी लगा है क्या इसमें? नहीं सर, पैसा नहीं लगा सर। 3,000 के ऊपर लोगों का हो चुका है इलाज आयुष्मान भारत का। अब उसमें जैसे हम लोग अब प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार का अगर आप आयुष्मान लाभार्थी हैं तो वहाँ पे आपको जिला अस्पताल पे, जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और भी जैसे छोटे हमारे PSC CSCs पर हैं, या इवन आप बस्ती जाना हो या लखनऊ जाना हो, बनारस जाना हो, या पूरे देश में जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आयुष्मान के, वहाँ पे फ्री में आपका ऑपरेशन इलाज इत्यादि होगा। धीरे धीरे इस प्रोग्राम को हम लोग और प्रचार प्रसार से आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े और इलाज करें। 1,48,000 परिवार इस योजना से जुड़े हैं, जिनको अगर हम 500 हॉस्पिटल मल्टीप्लाई करें तो 7 लाख लोग हमारे इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 1,14,000 कुछ लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है जो आयुष्मान कार्ड है, हेल्थ कार्ड, जिसे पहले गोल्डन कार्ड के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम आयुष्मान कार्ड है। और जनपद के 3,570 लाभार्थियों को हम लाभ दे चुके हैं, जनपद के अंदर, जनपद के बाहर, लेकिन जनपद के लाभार्थी इतने लाभान्वित हो चुके हैं। और हमारे जनपद में ENT से रिलेटेड सर्जरी कोई भी, और तो यानी हड्डी का कोई भी दिक्कत हो उसका, जनरल मेडिसिन, जनरल कोई भी बीमारी हो उसका इलाज हो जाएगा, गायनी का, स्त्री रोग का कोई भी दिक्कत हो उसका इलाज हो जाएगा, बच्चों के लिए वर्सल हॉस्पिटल में वहाँ पर इलाज हो जाएगा, बड़े बीमारियों के लिए हम बाहर रिफर करते हैं, और हम खुद उसमें तत्पर रहते हैं कि बाहर हमारे सभी लाभार्थी जाके जिनको इलाज की ज़रूरत है वो अन्य जनपद में, बड़े जनपद में, बड़े अस्पतालों में जाके इलाज करा सकें। देखिए, अभी तक कुल हमारे यहाँ जो 4 लोग हैं, जिसमें 3 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, 2 लोग को तो पित्त की थैली का हुआ ऑपरेशन, और एक जो है हर्निया का हुआ ऑपरेशन, और एक हमारा पेशेंट एडमिट है जिसको कि पेल्विक फ्रैक्चर है, जिसका इम्प्लांट होना है। इसमें भी काफ़ी बड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, ये सारे ऑपरेशन पित्त की थैली को। ये लोग सारे 3 तो लाभान्वित हो ही चुके हैं, एक ही जो है देखिए वो तो हमारा सर्वे लगातार चल रहा है, ठीक है, और हम हर ब्लॉकों से, हर आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को ढूंढ रहे हैं कि जो कि बड़ी बीमारियां खास करके, या छोटी भी होंगी अगर ऑपरेशन वगैरह है तो वो हमको सूची प्राप्त हो जाएगी, तो उसका हम लखनऊ तक या दिल्ली तक भी अगर ऑपरेशन संभव यहाँ नहीं है वहाँ, तो हम भेज के कराएंगे उसके योजना से। सूचियाँ तैयार।